इलेक्शन तो फेयर हो गए, उसमें कोई शक नहीं। तो आपने कुछ दिनों पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें बताया गया था कि हम इंडिपेंडेंट काउंसिल यहाँ पर बनाएंगे, तो उस वादे का क्या हुआ? जी आप तो देख रहे हैं कि अभी मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि अपनी पार्टी का यहाँ चेयरमैन बन गया है, कि आप देख रहे हो कि यहाँ के बीजेपी का उनका पूरा सपोर्ट मिला आज, कि वो बता रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हमारा कुछ नहीं है, लेना देना नहीं, लेकिन आज आपके साथ माध्यम के ये क्लियर हो गया कि ये बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट उनको पूरा मिला है। जो वाइस चेयरपर्सन है, उनको पूरा सपोर्ट बीजेपी का मिला आज, यही उन्होंने उस कसम को बेच डाला है, आपके सामने भी उन्होंने उस कसम को बेच के मतलब खाया है। तो अभी कोई रंज या अफसोस आपको है? रंज तो यही है कि उन्होंने वो शपथ ली थी, कुरान पाक ऐसी हमारी किताब है तो उस पर उन्होंने शपथ ली थी, ये मतलब बहुत दुख है मुझे। बाकी हम यहाँ मतलब पीएचईडी ने यहाँ हार दर्ज की, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, अफसोस इसी बात का है कि उन्होंने यहाँ मतलब कुरान पाक पे शपथ ली थी कि हम इंडिपेंडेंट काउंसिल वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं है, हमने हमेशा ये चीज़ की पहल की है कि कश्मीर में विकास होना चाहिए और कश्मीर की जो जनता है उनका काम होना चाहिए, और जिस प्रकार से अपनी पार्टी का जो मंशूर था उन्होंने सीधे स्पष्ट किया कि हम लोग धारा 370 के खिलाफ है और धारा 370 हम लोग वापसी नहीं चाहते हैं, तो वो और उनका कहना था कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी विकास को विश्वास के रूप में देखा है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को विश्वास किया है और उनके कैंडिडेट्स को जिता के लाया है, आने वाले समय में वो लोगों का विकास करेंगे और विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे, और ऐसे कोई अफवाह नहीं ना फैलाएं जिससे यहाँ के लोगों को फिर वही जो पिछले सरकारों ने किया था वो ना हो। बी टीम ए टीम कोई बात नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट यही कहना है कि जो पार्टी आगे लोगों के हित में काम करने वाले लोग हैं उनके हम समर्थन करेंगे, चाहे वो अपनी पार्टी हो या अनेक कोई पार्टी हो, जो जिन पार्टी ने लोगों के हित में काम करने के लिए सोच रखी है भारतीय जनता पार्टी उनके लिए खड़ी उतरेगी। कभी कोशिश नहीं की श्रीनगर में अपने चेयरमैन होने के लिए, हमने कभी कोशिश नहीं की, और शायद अगर हम लोग कोशिश कर लेते तो अपने मतलब हम लोग का समर्थन भी मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी पार्टी का आदेश था कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, और हमने बिल्कुल जो अपनी पार्टी का आदेश था उसको हित में लेके और जो देश के हित में और अपने लोगों के हित में जो कार्य था, हमने सोचा कि नहीं, अपनी पार्टी का जो मंशूर है वो डेवलपमेंट का मंशूर है, इसलिए हमने उनको सपोर्ट दिया और समर्थन दे दिया। बाकी पॉलिटिशियन की बात करें वो देवर ब्लेमिंग देयर वाज अ फुल स्विंग ऑफ यू नो हॉर्स ट्रेडिंग हियर इन कश्मीर, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट के रूप में मतलब था, ऐसा कोई हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अंदेश था, बिल्कुल लोगों ने अपने जनहित में जो उनके हित में था जो उनको अच्छा लगा उन्होंने अपने एंड से वोट दे दिया, और मैं समझता हूँ और आज जो सीक्रेट बैलेट हुई है इसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग का कोई ऐसा मामला नहीं है। अपनी पार्टी के चेयरमैन ने 10 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है, और जो उसमें एक कैंडिडेट जो था वो एबसेंट था, और जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने 9 वोटों से जीत हासिल की है। मेरा नाम है मंजूर अहमद भट्ट, मैं खानमू थर्ड से हूँ। किस तंजीम से? पीडीपी पार्टी से। सर मंजूर साहब ये बताइए, आप पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं? जी जी जी। आप भी अंदर बैठे थे अभी जो इलेक्शंस हुए, जी आपको लगता है कि इलेक्शंस भी फेयर हुए? इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए, बिल्कुल ठीक हुए, लेकिन अगर इनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करता था फिर इनका काउंसिल नहीं बनता था। यानी कि अपनी पार्टी ने अगर जीता तो वो बीजेपी के सपोर्ट से जीता सर, बस। तो टोटल कितने जो बीजेपी के पास कितने नंबर थे और पीडीपी को बाकी जो जैसे हमने डीसी साहब को बताया था, डीसी साहब ने बताया हमको कि इसका क्या मंशूर है, इसका क्या लॉ है, अगर ये 9 मेंबर बैठते थे काउंसिल में फिर काउंसिल नहीं बनता था, लेकिन इनको काउंसिल खाली बीजेपी का जो एक कैंडिडेट है जो इसमें बैठा तो इनको काउंसिल बन गया, वरना काउंसिल नहीं बनता था सर। INS, extremely fearless journalism.